व्हाट्स अप, वेलकम टू अपना कॉलेज। और अब हम पढ़ने वाले हैं एक और सॉर्टिंग टेक्निक विच इज कॉल्ड बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट करते हुए जो एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है वो है ये, रिपीटेडली स्वॉप टू एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। तो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या है ये आपको अभी समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये हमें एक एरे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला कि रिपीटेडली स्वॉप टू एडजेसेंट एलिमेंट्स, ठीक है, इफ इन रॉन्ग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम 12 और 45 को कंपेयर करते हैं, क्या ये रॉन्ग ऑर्डर में है। रॉन्ग ऑर्डर का मतलब कि जो लेफ्ट वाला नंबर है अगर वो राइट वाले नंबर से बड़ा है तो मतलब दे आर इन रॉन्ग ऑर्डर। तो यहाँ पे ये रॉन्ग ऑर्डर में नहीं है, तो हम मूव ऑन कर देंगे टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे अब हम फिर से चेक करेंगे 45 और 23 को, क्या ये रॉन्ग ऑर्डर में है। हाँ है, तो हम इनको कर देंगे स्वॉप। 23 यहाँ पे आ गया, 45 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट वील कंपेयर 45 विथ 51, दे आर इन द राइट ऑर्डर सो वी डू नथिंग। अब 51 और 19 को कंपेयर करके हमने देखा कि दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर सो वी स्वॉप देम। नेक्स्ट हम करेंगे 51 और 8 को कंपेयर, फिर से रॉन्ग ऑर्डर तो हम इनको भी कर देंगे स्वॉप। तो अब यहाँ पे हमने स्वॉप कर तो दिया, लेकिन क्या हमें सॉर्टेड एरे मिल गई अपने? नहीं, दिस इज नॉट द सॉर्टेड एरे। यहाँ पे सिर्फ एक चीज हुई है कि जो मैक्सिमम एलिमेंट था, जो सबसे बड़ा एलिमेंट था हमारे एरे का, वो अपनी सही पोजिशन पे, जो कि लास्ट पोजिशन होनी चाहिए उसकी, वो अपनी सही पोजिशन पे पहुंच गए, बट बाकी सारे अभी भी गलत जगह पे है ना। तो ये पार्ट जो है ये हो गया हमारा अनसॉर्टेड एरे, और जो ये लास्ट एलिमेंट है सिर्फ ये है हमारा सॉर्टेड एरे। तो अब हम फिर से सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। अब हमने यहाँ पे 12 और 23 को कंपेयर किया, दे आर इन द राइट ऑर्डर वी डोंट डू एनीथिंग। 23 एंड 45 को कंपेयर किया, अगेन दे आर इन द राइट ऑर्डर। 45 एंड 19 को कंपेयर किया तो देखा कि ये तो रॉन्ग ऑर्डर है, तो भाई स्वॉप कर दिया। अब 45 और 8 को हमने देखा रॉन्ग ऑर्डर, स्वॉप कर दिया। अब 45 यहाँ पे पहुंच गए, तो अब हमें 45 को 51 से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम जो है, हमने यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा इटरेशन था उसमें हमने स्वॉप किया था, चेक किया था लास्ट एलिमेंट तक, यहाँ पे हम कर रहे हैं सेकंड लास्ट एलिमेंट तक, है ना। 8 तक जो है हमारा अनसॉर्टेड आ रहा है और उसके बाद जो है वो सॉर्टेड आ रहा है। अब सेम चीज़ जो है हम दोबारा करेंगे थर्ड आइट्रेशन में। 12 और 23 को हमने कंपेयर किया, देखा कि ये तो सही ऑर्डर है। 23 और 19 को किया कंपेयर, इज द रॉन्ग ऑर्डर सो वी स्वॉप देम। देन 23 एंड 8 को कंपेयर किया, अगेन रॉन्ग ऑर्डर, स्वॉप कर दिया। अब इसके बाद 23 एक बार यहाँ पे आ गया, अब इसके बाद हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर फोर्थ आइट्रेशन। 12 और 19 को कंपेयर किया तो ये है सही ऑर्डर में, 19 और 8 को कंपेयर किया ये है रॉन्ग ऑर्डर में, तो इनको स्वॉप कर दिया और इसके आगे जाने की हमें जरूरत नहीं है। तो हमारा अनसॉर्टेड एरे जो है वो सिर्फ यहाँ तक बचा, 12 और 8। फिफ्थ आइट्रेशन में हम फिर से 8 और 12 को हमने देखा कि ये सही ऑर्डर में, तो हम कुछ नहीं करेंगे और ये लास्ट में जो है हमें मिल गया अपना सॉर्टेड आरे। ये प्रोसीजर आपको काफ़ी बड़ा लग रहा होगा कि भाई लास्ट वाले सॉर्टिंग टेक्निक में तो हमें बहुत कम आइट्रेशंस में सोल्यूशन मिल गया था, बट ये चीज़ जब आप अपने कोड से इंप्लीमेंट करोगे तो आपको लगेगा कि इसका कोड भी काफ़ी इजी है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं विच यू हैव टू नोटिस। पहला तो कि हम कितने आइट्रेशंस के बाद हमें अपनी सॉर्टेड आरे मिल रही है। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स थे और 5th आइट्रेशन में हमें मिली है अपनी सॉर्टेड आरे। तो अगर हमारे पास n एलिमेंट्स की आरे है तो वी हैव टू डू n माइनस 1 आइट्रेशंस बिफोर वी गेट आर सॉर्टेड आरे। दूसरा चीज ये कि यहाँ पे हमारा जो अनसॉर्टेड आरे है सिर्फ हम उसी में चेक कर रहे हैं कि दो एडजेसेंट एलिमेंट्स सही ऑर्डर में या रॉन्ग ऑर्डर में, राइट। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं एन माइनस वन तक, राइट, क्योंकि हम लास्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे उसके अगले वाले एलिमेंट से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आइट्रेशन है वहां पे हम चेक कर रहे हैं एन माइनस वन तक, सेकेंड आइट्रेशन में हम चेक कर रहे हैं एन माइनस टू तक, ठीक है, थर्ड आइट्रेशन में हम कर रहे हैं एन माइनस थ्री, फोर्थ आइट्रेशन में कर रहे हैं एन माइनस फोर तक, फिफ्थ आइट्रेशन में कर रहे हैं एन माइनस फाइव तक। तो अगर आप ये देखो कि हम जो चेक कर रहे हैं हर एलिमेंट को उसके अगले एलिमेंट से कि वो सही ऑर्डर में है या नहीं, तो वो हम कर रहे हैं आइट्रेशन के हिसाब से। अगर फर्स्ट आइट्रेशन है तो हम करेंगे n माइनस वन तक, सेकेंड है तो n माइनस टू एंड सो ऑन। तो अगर ith आइट्रेशन है तो हम चेक करेंगे n माइनस i तक, ठीक है। तो ये दो चीज़ें थी जो हमने ध्यान रखनी, और इसको हम कोड करते तो आपको पता चलेगा कि कितना ईजी है। सबसे पहले इनपुट ले लेंगे यूज़र से। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी आइट्रेशंस जो मैं बोल रही थी उसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं काउंटर। तो काउंटर स्टार्ट होगा वन से,
ठीक है, और इसके लिए हम लगा देंगे while loop कि जब तक काउंटर इज लेस देन n माइनस 1 तब तक हम अपना प्रोसेस जो है वो रिपीट करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा लूप लगेगा फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n माइनस काउंटर। ये मैंने अभी आपको समझाया है कि अगर ith iteration है तो हम उसमें n माइनस i तक चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से एक चेक लगा देंगे कि क्या एरे ऑफ i मोर देन है एरे ऑफ i प्लस 1 से। ठीक है, तो उस केस में हमें स्वॉप करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक int temp बना देंगे विच वुड बी इक्वल टू एरे ऑफ i, एरे ऑफ i में डाल देंगे एरे ऑफ i प्लस 1 की वैल्यू और एरे ऑफ i प्लस 1 में डाल देंगे temp की वैल्यू, और लास्ट में जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो हम कर देंगे काउंटर प्लस प्लस कि वो नेक्स्ट आइट्रेशन में मूव करे, और लास्ट में हम एक फॉर लूप लगा देंगे टू प्रिंट द एरे। तो यहाँ पे अगर मैं कोई रैंडम 5 एलिमेंट्स डाल देती हूँ तो हमें मिल गया अपना एरे इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो ये था बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में बेसिकली इसको हम बबल सॉर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होता है वो बबल की तरह ऊपर आ जाता है, राइट? तो पहले हमारा जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट था अनसॉर्टेड एरे में था वो था 51, तो वो ऊपर आ गया, एक जिसे बबल आता है नीचे से ऊपर, है ना। फिर जो हमारे अनसॉर्टेड एरे में मैक्सिमम एलिमेंट था वो था 45, फिर वो आ गया ऊपर। फिर हमारा नेक्स्ट था 23, वो आ गया, फिर 19 एंड देन 12 और 8 तो थाई फर्स्ट पोजीशन पे। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बबल सॉर्ट। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।